सो so, ओएनजीसी में मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में थोड़ी और गिरावट हमें इस स्टॉक के ऊपर देखने को मिलेगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स थोड़ा और नीचे जाएगा ऐसा मेरा मानना है अब देखो ये पी स्टॉक है ओ ठीक है 2007 में कितना प्राइस था वन हंड्रेड एंड नाइन्टी रुपीज़ और दो हज़ार तेईस में कितना राइट है वन हंड्रेड एंड नाइन्टी रुपीज़ तो पी एस यू स्टॉक में हमेशा है ना डिविडेंड मिलता है क्या मिलता है डिविडेंड मिलता है वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती क्या नहीं हो सकती वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकती और प्रीवियसली क्या था कि डिविडेंड टैक्स फ्री था अब डिविडेंड आपकी जो भी रेगुलर इनकम है उसके साथ क्लब होता है तो अब डिविडेंड ऑप्शन उतना अच्छा नहीं रहा है टाइम चेंज हो गया है करेक्ट तो पहले तो अपनी सोच को थोड़ा चेंज करना होगा सब लोगों को एंड डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल सिचुएशन आप उसके अंदर भी काम करो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बट मैंने जस्ट एक व्यू शेयर किया है कि डिविडेंड ऑप्शन किस तरह से अच्छा है और किस तरह से अच्छा नहीं है मुझे नहीं लगता है कि स्टॉक्स आने वाले दिनों में वन हंड्रेड के ऊपर सस्टेन करेगा जैसे ही हायर लेवल्स देखने को मिलेगा हमें इस स्टॉक के अंदर सेलिंग ही आता हुआ देखने को मिलेगा अब ये स्टॉक के ऊपर हायर साइड्स के डोर बंद हो गए हैं और जब तक ये स्टॉक्स टू हंड्रेड के ऊपर नहीं निकलता है इस स्टॉक के अंदर कोई भी हायर साइड्स के डोर ओपन होते हुए नहीं देखने को मिलेंगे करेक्ट ऊपर की साइड आता भी है तो वन हंड्रेड एंड नाइन्टी फाइव रुपीज टू हंड्रेड रुपीज के आसपास जब भी स्टॉक्स आएगा आपको सेलिंग आता हुआ इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा करेक्ट और यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टॉक्स और भी डाउनफॉल हमें दिखा सकता है इमीडिएट लेवल आपको वॉच आउट करना चाहिए वो है समवेयर अराउंड वन हंड्रेड एंड एटी रुपीज का तो इस स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू थोड़ा बारिश है और मैं यहाँ पर इस स्टॉक के ऊपर कुछ भी ना करने की एडवाइस यहाँ पर दे रहा हूँ ओ के ऊपर ठीक है आने वाले दिनों में और भी प्राइज एक्शन देखेंगे करेक्ट हाँ मैंने ऐसा जरूर से बोला है कि एवरी राइज़ इज़ अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी एफ एंडो में भी ये स्टॉक अवेलेबल है तो किसी को शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो जरूर से ढूंढ सकता है शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए मेरा स्टॉप लॉस है टू टू हंड्रेड एंड फोर रुपीज़ का ठीक है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो ओइन जिस थोड़ा अवॉइड कीजिए मेरा मुझे थोड़ा व्यू थोड़ा बारिश लग रहा है ये स्टॉक के ऊपर मेरा व्यू थोड़ा बारिश है तो जिस तरह से बता रहा हूँ प्राइस एक्शन जरूर से देखिएगा फायदा आपको जरूर से होगा दोस्तों